तो दोस्तों अब हमारे 25 के बच्चे बड़े हो गए हैं, वो देखे मटके से बाहर जा कर, और ये फीमेल वहाँ बैठी हुई और हमारा मेल यहाँ बैठा हुआ, तो अब इसको पकड़ लेते हैं और ऊपर लेके चलते हैं। ये छोटा भाई केज में जा चुका और ये बजिश पकड़ता, इसने मटकी उतार दी है उसकी, और इसमें पहले देखते हैं कि बच्चे कितने बड़े हुए। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत बड़े हो गए और अब इनको ऊपर ले चलते हैं। माशाल्लाह हैं भी बहुत खूबसूरत बच्चे सारे। बजिश की कॉलोनी बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो यहाँ एक दो दिन उसको रख के देखेंगे अपने मिट्टू को। ये आ गया हमारा बजिश। और दोस्तों मिट्टू का ये बताना था कि आज मिट्टू उड़ गया था हमारा, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये अपना बर्तन दाने का पीछे करके और ये गेट खोल के बाहर निकल गया था, बाहर निकल के सामने वाले घर में चले गया था। वहाँ पर फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने पकड़ लिया इसको और रख लिया था अपने पास। फिर शाम में भाई गया तो उन्होंने दिया कि तुम्हारा मिट्टू हमारे पास आ गया था, इस वजह से वापसी आ गया। इत्तेफाक कैसा हुआ कि इस पर किसी जानवर ने भी हमला नहीं किया और अल्लाह का शुक्र इससे ऐसे बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा सब, उम्मीद करता हूँ सब खेरे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज बजिश का एक पेज होता है वो ऊपर आ चुका है, और इसके बच्चे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसको केज में छोड़ेंगे इसके, और इसकी केज की भी थोड़ी सी सफाई करनी है, बाकी केज भी थोड़े गंदे हो रहे हैं, तो इनकी सफाई आज तो सबकी नहीं हो पाएगी क्योंकि आज थोड़ा हमें जाना है, दावत भी एक जगह और क्रिकेट भी आज खेलना है, और बाकी इसके बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बच्चे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है। ये देखें दोस्तों इसका एक बच्चा ये रहा ग्रीन कलर में, माशाल्लाह येलो और ब्लैक और हल्का हल्का ग्रीन कलर है इसका। इस तरह के बच्चे में लाने का सोचा था क्योंकि ऐसा तो रह नहीं होगा। तो ये देखें उंगली पर कैसा काट रहा है, ये इतना सा बच्चा है लेकिन अभी भी इसको काटने का मतलब ऐसी आदत है कि हाथ से फौरन काटने लग जाता है। और एक बच्चा ये इसका सबसे बड़ा ये उड़ के वापस मिट्टी में चला गया, मुझे डर लग रहा था, वो देखे उड़ के वो मुर्गी के पिंजरे में बैठ गया। ये बच्चा उड़ रहा है तो इसको अंदर रख देता हूँ वापसी, कहीं ऐसे ना उड़ के बाहर चले आए, उसमें फिर परेशानी हो जाएगी। तो पहले मट्टी की सफाई कर लेते हैं, फिर इसको केज में डाल के केज की सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह इसके बच्चे निकल चुके हैं और तीन अंडे तो शायद ख़राब है, और तीन बच्चे निकले हैं इसके, जिसकी आवाज़ आ रही थी बच्चों के बाहर, और तीन अंडे वो साइड में पड़े हुए, वो अंडे ख़राब हो गए। तो दोस्तों ये इसके तीन बच्चे हैं वाइट वाली फीमेल के, जो मैंने आपको दिखा दिया उसने अंडे दिए हुए, वो तीन अंडे ख़राब हो चुके हैं उसके। ये बच्चे मैं यहाँ रखता हूँ, वो मट्टी की थोड़ी बहुत सफाई कर देता हूँ वहाँ पर, ताकि फिर बाद में इसकी केज में जाने में बहुत परेशानी होती है, छोटा केज है। भाई अंदर गए हुए वाले उसकी मट्टी लगा रहा है, और ये तीन अंडे इसके ख़राब है। ये इसकी मट्टी का कचरा मैंने वहाँ साइड में फेंक दिया, बच्चे वापसी इसमें डाल के मट्टी लगा रहा है। ये देखें ये बिल्कुल ख़राब है, ये भी ख़राब है, और ये भी ख़राब है, ये ऐसे दिख रहा है। एक में बच्चा बन रहा था लेकिन वो बनते बनते शायद उसका प्रोसेस रुक गया, हो सकता है बच्चा अंदर ही डेड हो गया। तो तीन बच्चे निकले और बाकी तीन अंडे ख़राब है। तो दोस्तों हमारे केज में चारों मटकियाँ लग चुकी हैं। अभी जो ये नीचे वाली मटकी है ये वाली, इसमें भाई भी डाल रहा है जो पैर है पकड़ के, ताकि उनको ये पता चल जाए कि हमारी मटकी है और हमारे बच्चे इसमें, बस अल्लाह करे ये फेट कराते रहें, ऐसा ना हो ये फेट कराना रोक दें बच्चों को नई जगह आके, क्योंकि दूसरे बजिश में लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती रहती है आपस में। Thank you.
दोस्तों मटकी तो लग चुकी है, बस ये बैठ के देखना होगा कि ये मटकी में जा भी रहे नहीं जा रही, क्योंकि ऐसा ना बच्चों को फीड ना कराएंगे नई जगह की वजह से, और बच्चों को फीड नहीं कराए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और उनको हैंड फीड करानी पड़ेगी। अगर ये मटकी में चले आते तो बहुत अच्छी बात है। बस इसकी दाना पानी भी रख दिया है और इनके केश की सफाई भी हो चुकी है, ये डालते ही सिग्नल भी नीचे आ गई दाना खाने। अब डायमंड डक से पानी रख देता है, ये भाई ने पानी ला दिया, डायमंड डक से डाल देता है पानी ताकि ये भी फ्रेश पानी पिए। केश की सफाई तो हमारे डायमंड डक की भी करनी है, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, आज मैंने बताया आपको पहले कि टाइम नहीं हमारे पास थोड़ा, तो इसी वजह से मैं शॉर्ट वीडियो बनाते हैं आज। और बाकी जो काम करने थे ये काम हो चुके हमारे अलहमदिल्ला। बाकी अब चूज़ों को दाना देते हैं, चूज़ों को खोले थे आज ही सबसे पहले, बाकी बाद में होगा मुर्गी को और हमारे शेरों को उसको बाद में खोलेंगे। और वो देखिए जो हमारे बटेर की टांग टूटी हुई थी वो भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा आ नहीं पा रहा बाहर। ये देखिए दोस्तों चूज़ों को दाना डाल रहा हूँ ताकि चूज़े दाना खा ले, तो जल्दी से ये केज में चले जाएगी, वो बटेर जो अंदर उनको ही बाहर निकाल लेता हूँ। आप ये बटेर तो होने वाला है, ये देखें उड़ता हुआ ये, और ये वो बटेर है हमारा जिसकी बेचारे की टांग टूटी हुई, इसको मैं छोड़ देता हूँ आराम से, ये दाना खा लेगा। इसके दर्द तो पहले से बहुत कम है, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी टूटी हुई उसकी जिसम में वो जुड़ी हुई भी है, तो दर्द तो हो रहा होगा बताई, हमें ऐसा लग रहा है कि दर्द शायद कम है, लेकिन ये चलने की वास्ते ऐसा कोशिश कर रहा है टांग को। तो दोस्तों हमारी माशाल्लाह लवबर्ड की फीमेल मटकी में जाने भी लग गई, और भी मेल फीमेल दोनों मटकी में थे, मैं ऊपर आया हूँ तो दोनों मटकी के अंदर था, जो एक मेल बचा है अकेला वो बाहर बैठा हुआ था, तो इसको इंशाल्लाह भाजन के वापसी भेज देंगे या तो फिर इसकी कोई फीमेल ले आएंगे। मैंने तो ये सोचा हुआ था एक फिशर की फीमेल ला के इसके साथ रखते हैं और उसका पेल लगा के देखते हैं कैसे बच्चे निकलते हैं, भाजन से पूछूंगा अपने, अगर वो बोलेंगे तो इसके लिए एक फिशर की फीमेल ले आएंगे और फिर इसके साथ छोड़ देंगे ताकि इसका पैर उसके साथ लग जाए। देखें अभी आप ये माशाल्लाह से मेल भी मटकी में और फीमेल भी मटकी में, बस दुआ करिएगा ये जल्दी से ब्रीड कर ले। था चूज़ों को मैंने बंद कर दिया, अभी वाले मुर्गों को खोल दिया, देखिए माशाल्लाह दाना खा रहा है, क्योंकि ये भी बाहर आने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे और हमारा शेरू भी बाहर आने के लिए बहुत परेशान हो रहा है अपनी फीमेल के साथ। अभी इसको थोड़ी देर में खोलेंगे, ये इनको बंद कर देंगे दाना खिला के। ये देखिए दोस्तों इनकी अभी इसकी आदत है मेरे हाथ पे दाना खाने की, तो ये हाथ से काटते भी रहते हैं और दाना भी खाते रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह से बजी सारे दाना खा रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह इतने सारे घूमते हुए, और ये एक बच्चा जो बैठा हुआ है दोनों प्यालों के बीच में वाइट कलर का और ब्लू कलर का, ये बाहर आ गया अभी, ये मटकी में ही था, अभी हमने मटकी लगाई तो बच्चा बाहर आ गया खुद ही। बस अब ये देखना थोड़ी देर बैठ के हैं कि फीमेल मटकी में जाती नहीं जाती इस मटकी में, इसकी जो मटकी वो ये वाली है और जो बच्चा बाहर आया अभी वो ये वाला बच्चा है। अब बस इनको बंद करके अपने शेरू को खोलते हैं, क्योंकि शेरू बहुत परेशान हो रहा है बाहर दाना खाने के लिए, और ये देखें भाई इसको दाना खिलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन डर लग रहा है खाते हुए, क्योंकि ये खाते खाते एकदम से चोंच मार दे रहा हाथ पे। और मुर्गे ने भाई के हाथ पे काट लिया दाना खाते हुए, मेरे हाथ पे भी काटता लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ क्योंकि अभी से इनके हाथ पे दाना खिलाने की आदत होगी। तो दोस्तों हमारा शेरू भी बाहर आ चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत है ये हमारा शेरू, वो वाकई इसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा है हमारी मुन्नी ने शेरू, क्योंकि बिल्कुल अलग है ना यहाँ सेटअप पे हमारे, बिल्कुल अलग सा सबसे बड़ा सा। इसको पहले मैं दाना खिलाता हूँ हाथ पे थोड़ा सा, दाना खाता सही वरना फिर इसको की फीमेल के साथ छोड़ दूंगा नीचे। हाँ ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बुरा काट रहा है हाथ पे और दाना भी खा रहा है हाथ पे मेरे। हाथ में बहुत ज़्यादा तेज काट रहा है मुर्गा, बस बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन ये कि हाथ पे दाना खा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मुर्गा भी हाथ पे दाना खाता और ये वाला भी खा रहा है। तो दोस्तों शेरू को छोड़ता हूँ, नीचे दाना खा लेगा नीचे जाके। और ये थी अच्छी वीडियो, उम्मीद करता आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।